नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल तेज निगाहें। आपने सुना होगा कि नेट के जरिए युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन लोनी गाजियाबाद की लालबाग कॉलोनी में रहने वाले सौरभ मिश्रा ने इस बात को धूमिल कर दिया। बिना कोचिंग के नेट और यूट्यूब के जरिए IAS की परीक्षा पास कर सौरभ मिश्रा ने कीर्तिमान स्थापित कर लोनी क्षेत्र का नाम रोशन किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोनी लालबाग कॉलोनी में रहने वाले सौरभ मिश्रा इस समय इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल सौरभ मिश्रा ने देश की सर्वोच्च IAS की परीक्षा पास कर पूरे क्षेत्र का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। सौरभ मिश्रा अपनी प्राइमरी और उच्च शिक्षा UP से उत्तीर्ण करने के बाद अपनी मौसी के पास गाजियाबाद स्थित लोनी लालबाग कॉलोनी में रहने लगे। पिता जगन्नाथ मिश्रा UP पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तैनात हैं और मां संगीता मिश्रा एक हाउसवाइफ हैं। सौरभ की एक बड़ी बहन है। सौरभ मिश्रा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर कॉलेज से BA ऑनर्स तथा उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से MA की परीक्षा पास की। सौरभ का सपना था कि IAS बने और इसी को लेकर सौरभ ने अपना लक्ष्य तय कर लिया और तैयारियां शुरू कर दी। सौरभ की तैयारियां कुछ अनोखे अंदाज से प्रारंभ हुई। साधारण कॉलोनी में रहने पर कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण सौरभ ने ऑनलाइन और यूट्यूब का सहारा लिया। सौरभ ने ऑनलाइन यूट्यूब से अपनी IAS की परीक्षा पूरी की। महज 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ने के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की है। सौरभ मिश्रा ने अपने पूरे सफर के बारे में तेज निगाहें चैनल से बातचीत में जो बताया, आप स्वयं सुनिए। देखिए, एक तो मैं मौसी के यहाँ रह रहा था तो मुझे ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। मुझे सही समय पे सारे साधन दिए गए। भैया लोग का भी हमेशा सपोर्ट रहा कि अगर कोई भी दिक्कत होती तो भैया लोग मेरे साथ थे हमेशा से। और उसके अलावा पढ़ाई में भी भैया ने काफ़ी योगदान दिया मेरे को। कोई भी दिक्कत होती थी तो वो मुझे समझाते थे। तो मैं मानता हूँ मेरा परिवार मेरे साथ, परिवार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो उन्होंने ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके अलावा मैं 8 से 10 घंटे पढ़ लेता था रोज़, तो वो तो ज़रूरी होता ही है। उसके अलावा ऑनलाइन स्टडीज़ भी काफ़ी की मैंने। ऑनलाइन कई चैनल्स और वेबसाइट हैं जहाँ पे अच्छी स्टडी मटेरियल मिलता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल चॉइस है, मैं मानता हूँ अगर किसी को है ज़रूरत तो वो कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के होगा नहीं। बिना कोचिंग के भी अच्छी से अच्छी रैंक ली जा सकती है। काफ़ी साधन, एक तो कॉलेज में लाइब्रेरी थी तो मैं लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स पढ़ लेता था। उसके अलावा जो चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती थी मैं ऑनलाइन मिल जाती थी। ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी है आप पढ़ें। एजुकेशन मेरी सेकेंडरी एजुकेशन लखनऊ में, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, और ग्रेजुएशन मैंने भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। दूसरा प्रयास था मेरा, पहले प्रयास में मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया था 3 नंबर से, तो ये दूसरी प्रयास में मेरा ये हासिल गया है। कारण यही था, एक तो पहला प्रयास था और काफ़ी मैंने उस टाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ था। उसके अलावा लास्ट टाइम पे ही मुझे डेंगू हो गया था, तो उसके कारण मतलब 28 अक्टूबर को मेरा पेपर था तो 10 अक्टूबर को मेरे को डेंगू हुआ और मैं 20 अक्टूबर तक हॉस्पिटल में ही रहा था। तो उसके बाद भी काफ़ी एनर्जी इतने नहीं था पढ़ने का, पर पढ़ा मैंने किसी हिसाब से, तो मुझे लगता है वो भी एक कारण था। तैयारी यही वैरी करती थी, आप एक ही जैसे नहीं पढ़ सकते हैं रोज़, और मैं तो नहीं मानता 20 घंटे पढ़ना, मैं तो कभी नहीं पढ़ सकता 20 घंटे, पर हाँ 7-8 घंटे आपको पढ़ना ही होगा मिनिमम, कि आप कम से कम इतना पढ़िए। तो वैसे मेंटल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं मानता ये हूँ कि अगर आप टारगेट बेस्ड अप्रोच पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक दिन में आपको कितना करना है आप उतना करिए, आपको जितना टाइम लगता है लगाइए। मेरे प्रयास में अभी हताश हुआ था कि नहीं हो पाया इतना पढ़ने के बावजूद, पर कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर भरोसा करना होता है, और मैं मानता हूँ अगर आप छोड़ेंगे नहीं तैयारी तो हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं और बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो सिलेक्शन होना निश्चित है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि वाकई सौरभ के IAS बनने पर परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा। सौरभ को मिठाई खिलाती ये सौरभ की मौसी हैं और उनके मौसेरे भाई सौरभ को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ की कामयाबी उसकी खुद की मेहनत है, उसने हमेशा लक्ष्य बनाकर काम किया है। उनकी इस कामयाबी के लिए स्थानीय विधायक भी उनके घर उनको बधाई देने पहुंचे। परिवार का सौरभ की कामयाबी पर क्या कुछ कहना है, आप स्वयं सुनिए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और अभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जहाँ तक सौरभ की बात की जाए तो
सौरभ एक बहुत ही लगनशील और बहुत मेहनती लड़का है और एक इंस्पायरेशन है हमारी फैमिली के लिए। और ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा है अपने, जब ये टेंथ में था, ट्वेल्थ में था, तो हम लोगों को जब पता चलता था कि सौरभ ने टॉप किया स्कूल में, तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन के कॉलेज में सबसे आगे रहता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बहुत फोकस्ड है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है, ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इसे अपना एम पता था कि मुझे ये करना है, और इसने बस उसी के ऊपर पूरा फोकस करके पढ़ाई की। एक स्ट्रगलिंग फेस है इनके लिए खासकर, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता, जो आपके आसपास के लोग हैं वहाँ से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप इंटरनल इंस्पिरेशन ले रहे हैं और आप उसके ऊपर फोकस होकर काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सारे ओट्स को क्लियर किया, और चैलेंजिंग फेस था उसको क्लियर किया, उसको एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, देन उसको एक सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर हिम। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और हम ही नहीं, हमारे जितना फ्रेंड सर्कल भी है यहाँ पर मेरा, और जितने आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि हमारे इस कॉलोनी से अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, मतलब मैं पिछले जब से UPSC कंडक्ट करवाता एग्ज़ाम, तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसी परीक्षा किसी ने उत्तीर्ण नहीं करी है। तो इस माहौल में इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट को गेट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। कल भी सेलिब्रेशन हुआ था, माननीय विधायक जी भी आए थे, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, और संघ के लोग भी यहाँ पर आए थे ताकि बच्चों का उत्साह बढ़े, यहाँ पर लोगों को उनको लगे कि पढ़ने में मतलब बेनिफिट है, तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया था। इसने ना तो कभी दोस्ती की किसी से, सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान रहता था इसका, घर में भी सबका सम्मान करता है, बहुत शिष्टाचार सब कुछ है इसके अंदर। बहुत खुशी हुई, अब तो बता नहीं सकते कितने खुश हैं। तो सारा श्रेय इसी को देती हूँ, जो कुछ किया इसने ही किया है। हमने पढ़ाई का पूरा मौका दिया, किसी चीज़ में काम के, घर के काम के लिए किसी की कुछ नहीं बताया कि हाँ भैया तुम ऐसा करो, कुछ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बस ये बताया है। प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी फैमिली से एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने पूरे घर का क्या, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है, और ये इनका डेडिकेशन है पूरा, इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ ये जो चाहते थे आज इन्होंने प्राप्त कर लिया है। मंजिलें उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, बिना लक्ष्य के कोई भी मंजिल नहीं मिल सकती, यही कहावत सौरभ ने सच कर दिखाई है, जिससे सौरभ के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे लोनी क्षेत्र को उन पर गर्व है। प्रिंस सोलंकी के साथ गौरव रावत, तेज निगाहें लोनी, गाजियाबाद। तेज निगाहें के सभी दर्शकों से अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए प्रिया शर्मा को इजाजत, नमस्कार।